अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और अल्लाह ताला सबको परेशानियों से बीमारियों से महफूज फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और पीएम से लेकर सीएम तक और सीएम से लेकर बिल्कुल निचले तबके तक जिस बदबخت और कमबخت ने मसनूई महंगाई की है अल्लाह ताला उसको नेस्तो नाबूद फरमाए। अब दोस्तों मैं आता हूँ अपने टॉपिक पर। दोस्तों रजब का महीना गुज़र चुका, शाबानुल मौज़म का महीना जारी और सारी है, इसके बाद आएगा रमज़ानुल मुबारक का प्यारा प्यारा महीना, रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, अजमत वाला महीना और मुसलमानों के गुनाहों को मुआफ़ करने का महीना। अल्लाह ताला का इनाम है रमज़ान। तो दोस्तों ऐसा होता है रजब के आते ही एक मैसेज चलता है, उस पर आता है कि जो शख्स रजब की मुबारकबाद देगा, रजब का चांद देखते ही सबसे पहले जिस खुशखबरी देगा, किसी को ये बात पहुंचा देगा तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। फिर शाबान के लिए भी ऐसी ही बात आती है कि जो शख्स शाबान का चांद दिखते ही सबसे पहले मुबारकबाद देगा तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। उसके बाद रमज़ानुल मुबारक में तो ये एसएमएस पिछले 4-5 साल से चलना शुरू हुआ है, जब से ये व्हाट्सएप का ज़माना आया है। इससे पहले शायद मेरे नज़र से नहीं गुज़रा। उसके बाद रमज़ान का भी यही मामला है कि जो शख्स रमज़ान में सबसे पहले मुबारकबाद देगा रमज़ान के चांद की या रमज़ान की आमद की, उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। और फिर हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की हदीस का हवाला भी लिख देते हैं, या कुछ लोग इस तरह लिख देते हैं कि हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने यह बात फरमाई है। तो दोस्तों जो बात हमारे हुजूर ने नहीं फरमाई, हुजूर से मंसूब कर देना गुनाह है, और ये आप किसी मुफ्ती साहब से पूछिएगा, और ये बहुत शदीद और सख्त तरीन गुनाह है। दोस्तों मुबारकबाद देने से किसी भी महीने की, चाहे रमज़ान हो, चाहे ईद मिलादुन्नबी हो, 12 रबीउल अव्वल हो, चाहे ये गौसे पाक रदी अल्लाह तआला का महीना हो, चाहे ये रजब हो, शाबान हो, किसी भी महीने की मुबारकबाद देने से जन्नत वाजिब नहीं होती। ये झूठा मैसेज होता है, लिहाजा आप लोग इससे बचें, फारवर्ड करने से बचें। और जो लोग गलती से ये करते हैं उन तक मेरा ये पैगाम पहुंचाएं, ठीक है। अगर एक भी शख्स इस गुनाह से बच गया तो आपके नामा आमाल में भी इसका सवाब लिखा जाएगा और आपके भी दर्जे बुलंद होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छी नीयत से इस पैगाम को पहुँचाएँ, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम।